नमस्कार साथियों, आज हम भाई बड़ी बात का एक खुलासा करेंगे। और खुलासा क्या है भाई, अखबार में आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सत्य है एकदम 100%। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और मैं कम से कम उम्मीद नहीं कर सकता कि सऊदी अरबिया से इंडिया तक ऐसा हो सकता है क्या, गलत काम हो सकता है क्या। और जिसमें देखा जाए तो भाई सऊदी जैसी इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री में ये गलत काम कैसे हो गया। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो साथियों, हम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारे राजस्थान में मैटर है भाई हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। हमारे राजस्थानी आपको पता है भाई सऊदीया में खूब लोग रहते हैं। वहाँ से एक पुलिस को सूचना मिली सीकर में कि कुछ लोग नकली पैसा लेके झुंझुनू की तरफ जा रहे हैं। सीकर में राजस्थान झुंझुनू की तरफ जा रहे हैं बुलेरो, ऐसा मतलब पूरी मुखबरी पुलिस को दे दी। रोड पे उनको रोका गया, नाकाबंदी करके उनके चेक किया गया। तीन आदमी बुलेरो में बैठे थे, उनके पास एक हैम्पर टाइप का था जिसको गिफ्ट बोल सकते हैं, उसको चेक किया गया। तो साथियों मैं बता दूं, उसमें 10 लाख नकली लोटों गड्डी निकली। जी हाँ साथियों, 10 लाख नोटों, 10 लाख रुपए की नकली लोटों की गड्डी भाई, बहुत बड़ी बात है। पूछताछ में उसने बताया, असलम ने बताया कि मेरा भाई रियाज सऊदी अरबिया में रहता है, उसने कोई गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट हैम्पर, वो मैं लेने के लिए सीकर आया था और वो लेके मैं झुंझुनू की तरफ जा रहा हूँ। अब आपको सोचने की बात है, 10 लाख रुपए की, ये 10 लाख रुपए कम नहीं होते भाई, 2-2 हज़ार के नोट थे और ये कैसे हो गया यार, सऊदी अरबिया से ये नकली पैसा इंडिया पहुंच गया। सऊदी में भी जांच नहीं हुई, यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पे भी स्कैनिंग में जांच नहीं हुई, इतना पैसा यार जांच कैसे नहीं होती है। 2-2.5 लाख इंडियन करेंसी से ज़्यादा आप एयरपोर्ट पे लेके नहीं आ सकते, ये नियम बना हुआ है। स्कैनर कैसे बच गए, स्कैनिंग में जांच क्यों नहीं हुई, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। पुलिस को इसको इस एंगल में भी ऐड करना चाहिए कि जयपुर एयरपोर्ट पे ये पैसे किस तरह से लाए गए कि इनकी जाँच नहीं हुई, जबकि पता है कि लोग अपनी बॉडी में गोल्ड छुपा के लाते हैं, उसको भी वो स्कैनर कैच कर लेता है, तो ये पैसे कैच क्यों नहीं कर पाए। 10 लाख रुपए की गड्डी निकली है साथियों, नकली नोट थे जो वहां पे छापे गए हैं, सऊदी अरबिया में ये नोट छापे गए हैं, ये उन्होंने बताया है कि भाई ये पैसा सऊदी से आया है। अब हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा होगा कि भाई ये पैसा ये सऊदी से गिफ्ट आया है, कहीं ऐसा नहीं हो हमारे सीकर में पहले भी नकली नोटों की छाप पकड़ी गई थी, 2000 के नकली नोट पकड़े गए थे जो सीकर में नोट असली लोग नोट लगा के उसको स्कैनिंग के जरिए छाप रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं कि बचने के लिए भाई का नाम लेते कि सऊदीया से ये पैसा आया है और वो यही से पैसे सीकर से छपा के वो उधर ले जा रहा और आगे वो अपने प्रोसेस में डालना चाह रहा हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन भाई रियाज ने ये, असलम ने ये बताया कि मेरा भाई सऊदीया रहता है, उसने ये गिफ्ट भेजा है, उसमें मुझे नहीं पता इसमें पैसे थे, सऊदी अरबिया से बोलता है ये पैसे आए हैं। तो यार सऊदी अरबिया में ऐसा हो सकता है कि इंडियन करेंसी वहाँ ले जाकर वहाँ नकली नोट छाप के इंडिया भेजे और एयरपोर्ट पे पकड़े नहीं जाए, यहाँ से फिर पुलिस पकड़ ले, ऐसा मुझे नहीं लगता, इसमें डाउट है। पुलिस को इसको एंगल को जांच करनी चाहिए कि भाई एयरपोर्ट स्कैनिंग में ये स्कैनिंग क्यों नहीं हुए, कहीं एयरपोर्ट पर सेटिंग नहीं कर रखी थी, या हो सकता है ये असलम झूठ बोल रहा हो कि भाई ये पैसे सऊदी से आए हैं जबकि ये सीकर में छापे गए हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने जांच हालांकि चालू कर दी है, एसपी यहाँ सीकर के हैं, उन्होंने बोल दिया है, व्हाट्सएप कॉलिंग से ये बात कर रहे थे, पूरी व्हाट्सएप चैट की भी इनकी जांच की जाएगी कि असल में मामला क्या है। दोबारा ये जैसे पर्ता खुलेगा ये अखबार में फिर न्यूज़ आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि रियल में भी सऊदी में भी ऐसा हो सकता है यार, इतनी खतरनाक कंट्री है कानून के मामले में पूरी दुनिया में, और वहाँ पर लोग आराम से पैसे छाप के इंडिया कैसे भेज सकते हैं, और वो भी 10 लाख रुपये कम नहीं होते भाई, 10 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, 2-2 हज़ार के नोट थे जिनको छापा गया। मेरा जहाँ तक मानना है ये पैसे सऊदीया में नहीं छपे और ये पैसे यहीं छपे हैं, एक बेवकूफ यानी दूसरे कंट्री का नाम लेते ही वो मैटर क्लोज हो, पुलिस ज़्यादा छानबीन नहीं करती, इसलिए हो सकता है कि नाम ले दिया होगा, क्योंकि यहाँ का नाम लेंगे तो पुलिस आगे से आगे पहुँचेगी, फिर पकड़ते पकड़ते लास्ट तक पहुँच जाएगी पुलिस, तो हो सकता है सऊदी अरबिया का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए। ये मामला मेरे हिसाब से 99% इंडिया का निकलेगा, ये पैसे इंडिया में ही छपे हैं। बस आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी साथियों कि सऊदी से ये मैटर आज की डेट में आया 1 जुलाई में, तो मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।